नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सबसे पहले आप सभी को हमारी चैनल की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार में आज मिले 2,362 नए कोरोना मरीज, पटना में 284 नए मामले। बिहार में कल की तुलना में आज फिर कोरोना के मामले बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे की यदि बात की जाए तो बिहार में कोरोना से संक्रमित नए मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ी है। आज बिहार में कुल 2,362 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, वहीं पटना में 284 नए केसेज मिले हैं। कल की तुलना में आज एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़े हैं। कल जहां बिहार में कुल 1,821 मामले थे, वहीं आज 2,362 मामले मिले हैं। कल की तुलना में आज बिहार में 541 केसेस बढ़े हैं। वहीं कल पटना में 224 मामले थे, जो आज बढ़कर 284 हो गए हैं। सोमवार की तुलना में 60 केसेस आज पटना में ज्यादा मिले हैं। बिहार में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस भी घटकर आज 14,771 हो गई है, जबकि सोमवार को एक्टिव मरीजों की संख्या 14,833 थी। हालांकि बिहार में एक्टिव मामलों में कमी आई है। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री रानी चटर्जी ने ली कांग्रेस की सदस्यता, प्रियंका गांधी के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन रानी चटर्जी ने राजनीति में कदम रखने का फैसला लिया है। रानी चटर्जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई है, इस बात की जानकारी रानी चटर्जी ने खुद सोशल मीडिया पर दी है, जिसके बाद से लगातार उन्हें फैंस बधाइयां दे रहे हैं। भोजपुरी फिल्म की एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर भी शेयर की है। इस तस्वीर में प्रियंका गांधी के साथ नजर आ रही है। रानी चटर्जी लिखती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये वही नारा है जिसके सहारे प्रियंका गांधी अपने विरोधियों पर हमला बोल रही है। इस तस्वीर के साथ कैप्शन में रानी चटर्जी ने प्रियंका गांधी को धन्यवाद लिखा है। रानी लिखती है कि एक और लड़की लड़ने के लिए तैयार है। प्रियंका जी के अभियान लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के साथ जुड़कर मैंने एक नई अध्याय की शुरुआत की है। आज प्रियंका गांधी जी से दिल्ली में मुलाकात हुई, साथ में मुंबई कांग्रेस के युवा नेता मेरे मित्र सूरज सिंह ठाकुर से भी मुलाकात हुई। रानी चटर्जी ने जैसे ही तस्वीरें पोस्ट कर बताया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, तब से लगातार उनके फैंस की तरफ से बधाई संदेश मिल रहे हैं। पटना वाले खान सर की बढ़ेंगी मुश्किलें, छात्रों के बवाल को लेकर नकेल कसेगा जिला प्रशासन। सोमवार से पटना समेत बिहार के कई जिलों में शुरू हुए छात्रों के आंदोलन को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। रेल यात्रियों के लिए भारी फजीहत की स्थिति है, तो वहीं पटना में आम लोग भी इससे परेशान हो रहे हैं। ऐसे में पटना जिला प्रशासन ने ऐसे कोचिंग संस्थानों के ऊपर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है, जो कहीं न कहीं छात्रों को उकसा रहे हैं। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि ऐसे कोचिंग संस्थान हमारे पर है, जो छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो छात्रों के समर्थन में बयान देने वाले पटना के खान सर भी जिला प्रशासन की रडार पर हैं, और उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। बीते दिनों राजेंद्र नगर टर्मिनल को करीब 5 से 6 घंटे तक रेलवे छात्रों ने जाम किया था, जिसके बाद पटना के डीएम ने कहा कि हम लोग विधि व्यवस्था बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। कई कोचिंग संस्थानों पर FIR दर्ज किया जा रहा है। खबर मिली है कि खान सर लगातार छात्रों के समर्थन में आ रहे थे। डीएम कहा है कि जो भी छात्रों को आक्रोशित करेगा उस पर कार्रवाई होगी। डीएम ने कहा है कि कई छात्रों पर FIR दर्ज की गई है, और वीडियो फुटेज के माध्यम से सभी को चिन्हित किया जा रहा है। NTPC ने IGIMS को सौंपे 4 हाईटेक एम्बुलेंस, दिल्ली से केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने किया रवाना। केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने आज पटना के IGIMS को अनुदान के तहत प्रदान की गई 4 हाईटेक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। IGIMS के परिसर में आयोजित समारोह के दौरान NTPC की ओर से IGIMS के चिकित्सा अधीक्षक को एम्बुलेंस की चाबियां सौंपी गई। समारोह में बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहे, जबकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से समारोह में शामिल हुए। करीब 80 लाख रुपए की लागत से बनाए गए इस अत्याधुनिक एम्बुलेंस में एडवांस लाइफ सपोर्ट सुविधा उपलब्ध है। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा कि केंद्रीय स्तर पर बिहार के विकास के लिए हर संभव सहायता दी जा रही है। पिछले 4 वर्षों में NTPC CSR के तहत बिहार में 320 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च कर चुका है। उन्होंने कहा कि उनके प्रभार लेने के बाद से बिहार में 23,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। उन्होंने बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए NTPC और स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की है।
बिहार के 16 पुलिस अधिकारी होंगे सम्मानित, दो आईपीएस को राष्ट्रपति पदक, गृह मंत्रालय ने जारी की सूची। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किए जाने वाले पुलिसकर्मियों की सूची जारी कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा इस बार बिहार के 16 पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। बिहार के दो पुलिस पदाधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जाएगा, वहीं सराहनीय सेवा के लिए 14 पुलिस अधिकारियों को पुलिस मेडल दिया जाएगा। विशिष्ट सेवा के लिए इस साल सीनियर आईपीएस अधिकारी एवं एडीजी अभियान सुनील खोपड़े और सीनियर आईपीएस एडीजी विशेष शाखा सुनील कुमार को राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा 14 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक देकर सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्रालय की तरफ से पुलिस अधिकारियों को यह सम्मान हर साल दिया जाता है। इंटर परीक्षा के एडमिट कार्ड में गड़बड़ी होने या गुम होने पर भी एग्जाम की अनुमति जाने शर्त। बिहार बोर्ड 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 14 फरवरी तक चलने वाली है। इस परीक्षा के लिए बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। कोरोना काल और ठंड के बीच आयोजित की जा रही इस परीक्षा में बोर्ड ने एक तरफा जहां परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर आने की अनुमति दे दी है, वहीं वैसे परीक्षार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है जिनके पास एडमिट कार्ड में कुछ गड़बड़ी हो गई है। बोर्ड ने वैसे परीक्षार्थियों के लिए ये इंतजाम किए हैं। वैसे परीक्षार्थी जिनके प्रवेश पत्र में फोटो की त्रुटि हो गई है उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है। जिन स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड में फोटो में अगर गड़बड़ी हो या किसी अन्य तरह की तस्वीर छपी हो तो छात्रों को पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। छात्र आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा फोटोयुक्त बैंक का पासबुक लेकर परीक्षा केंद्र पर आए। इसके साथ ही पहचान पत्र की छाया प्रति राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर परीक्षा केंद्र पर जमा करना होगा। बिहार में रेल पटरियों पर फिर जमा हुए छात्र। बिहार शरीफ में रोकी ट्रेन, नवादा में सड़क जाम। रेलवे भर्ती बोर्ड के एनटीपीसी रिजल्ट और ग्रुप डी की परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। नालंदा और नवादा जिले में छात्र बड़ी संख्या में रेल पटरियों पर जमा हो गए। सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में छात्र बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। केंद्र सरकार और रेलवे बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। रेलवे प्रशासन लाचार दिख रहा था और स्थानीय शासन छात्रों से बात करने की कोशिश कर रहा था। रेलवे ट्रैक के जाम किए जाने के कारण राजगीर से नई दिल्ली जाने वाली नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन समेत दो ट्रेनों का परिचालन भी बाधित रहा। रेलवे ट्रैक जाम किए जाने की सूचना के बाद स्थानीय प्रशासन के अलावे आरपीएफ के अधिकारी व जवान मौके पर पहुंच आक्रोशित छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं नवादा में भी आक्रोशित छात्र सड़कों पर उतर गए और प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा के बाद बोर्ड द्वारा नियमों में परिवर्तन करके रिजल्ट जारी किया जाता है जिसके कारण मेघावी छात्रों का रिजल्ट नहीं हो पाता है। छात्रों का कहना है कि बोर्ड जो भी नियम जारी करे वह परीक्षा के पूर्व करे और अभ्यर्थियों को भी बता दे ताकि हम लोग उसी तरह से तैयारी करें। दरभंगा एयरपोर्ट पर मौसम की मार जारी, कोलकाता व मुंबई के लिए नहीं उड़े विमान। दरभंगा एयरपोर्ट से कोलकाता व मुंबई आने जाने वाले हवाई यात्रियों को मायूसी हाथ लगी। सोमवार को कोलकाता व मुंबई रूट पर विमानों की आवाजाही नहीं हो सकी, लिहाजा यात्रियों को काफी परेशानी हुई। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार आज 6 विमानों में कुल 898 पैसेंजरों ने यात्रा की। हैदराबाद, बेंगलुरु व दिल्ली के लिए एक एक जहाजों की आवाजाही हो सकी। 5 जोड़ी विमानों का आवागमन रद्द कर दिया गया। इसमें दिल्ली, बेंगलुरु एवं कोलकाता की एक एक सेवा शामिल है। मुंबई आने जाने वाली 2 जोड़ी उड़ान संचालन नहीं किया गया। बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट से रोजाना 16 विमानों की आवाजाही का शेड्यूल है। इन दिनों इनमें से अधिकांश उड़ान रद्द हो जा रही है। बताया जाता है कि इन दिनों यात्रियों की संख्या कम होने के कारण एयरलाइंस की ओर से सेवा रद्द की जा रही है, जबकि अभी भी दरभंगा से औसतन 150 यात्री प्रति विमान टिकट बुक कराते हैं। आवागमन करने वाले यात्रियों की यह संख्या काफी अच्छी मानी जाती है। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियमों में किया गया बदलाव, जानिए पूरी डिटेल। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में बदलाव कर दिया गया है। आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने इन बदलावों को अमल में लाने के लिए निर्देश दिए हैं। बता दें कि जिस जिले में लर्निंग लाइसेंस बनाया गया है वहीं से स्थायी लाइसेंस भी बनेगा। वहां चालक अब दूसरे जिले से स्थायी लाइसेंस बनाने का ऑप्शन खत्म कर दिया गया है। इस मामले में परिवहन विभाग ने बिहार के सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारी को लेटर लिखकर सॉफ्टवेयर में आवश्यक व्यवस्था
व्यवस्था कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि अब तक कोई भी लर्निंग लाइसेंस कहीं से भी स्थायी लाइसेंस बनाने का ऑप्शन था। इस वजह से जिन जिलों ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य है वहाँ से लर्निंग लाइसेंस बनाकर दूसरे जिलों में जाकर बिना टेस्ट दिए स्थायी लाइसेंस बना लेते थे। इससे वाहन चालक गाड़ी चलाना नहीं सीखते थे और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। परिवहन विभाग ने ठीक से नहीं सीखने की वजह से हादसे होने की बात कही थी। आपको बता दें कि पटना में 3 जनवरी से 15 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन सहित ऑनलाइन टेस्ट का भी स्लॉट बुक नहीं हो रहा था, लाइसेंस फेल हो रहा था। उन्होंने दूसरों जिलों में जाकर स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया है। स्थायी लाइसेंस के लिए 2300 रुपये का चालान काटना पड़ता है, अलग से स्लॉट बुक करने का 50 रुपये देने पड़ते हैं। अब इससे हजारों आवेदकों का लाइसेंस फंस सकता है। आपकी रसोई तक पहुंचेगा अब जीविका दीदी का हल्दी पाउडर। इन उत्पादों को बाजार में लाने की बन रही है योजना। जी हां, अब लोगों के किचन तक जीविका दीदी की हल्दी पहुंचेगी। जीविका दीदियों द्वारा तैयार हल्दी पाउडर का शनिवार को समारोह पूर्वक प्रमोशन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने दीदियों को कार्यों के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज गौरव का दिन है, जीविका दीदियों के परिश्रम का परिणाम है कि उनके पहले उत्पादन का प्रमोशन किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस हल्दी पाउडर को बिहार के हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 3 माह के भीतर हल्दी पाउडर के साथ अन्य उत्पादों को बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जीविका दीदियों से डीएम ने कहा कि वह यहीं रुके नहीं, अपने उत्पादन को बढ़ाएं जिससे अधिक लाभ मिल सके। डीएम ने कहा कि जीविका दीदियों के ऊपर समाज में सकारात्मक बदलाव का दायित्व है। जीविका दीदियों ने कई मौके पर इसे साबित भी किया है। उन्होंने दीदियों का हौसला अफजाई करते हुए कहा है कि जिला प्रशासन के साथ साथ सरकार का सारा विभाग आपके सहयोग में हमेशा तत्पर है। जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने कहा है कि जीविका दीदियों के संघर्ष की कहानियां सर्वविदित है। जीविका दीदियों ने छोटे छोटे प्रयासों से बेहतर परिणाम दिया है। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।